हेलो फ्रेंड्स, मैं सर मोनिल शाह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ नौकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आज हम यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट डिस्कस करने के लिए है, जो कि ICAI ने निकाली है, ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज ने निकाली है 13th of October 2020 को। दिस अनाउंसमेंट इज रिलेटेड टू द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये अनाउंसमेंट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड है। CA फाउंडेशन लेवल पे, CA का जो फर्स्ट लेवल होता है CA फाउंडेशन, उसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड ये अनाउंसमेंट है। सो स्टार्टिंग विद द अनाउंसमेंट, पहले एक बारी चेक कर लेते कि ICAI ने क्या अनाउंसमेंट दिया, फिर उसके बाद मैं उसको आपको डिटेल से समझाऊंगा। सो द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन द फाउंडेशन कोर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन। यस, यू रेड इट राइट, आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अब आप 10th पास करने के बाद भी ICAI के अंडर रजिस्टर हो सकते हो। अब तक क्राइटेरिया क्या था, अब तक ICAI के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको कंपल्सरीली 12th होना जरूरी था, 12th पास होना जरूरी था, 12th अपियर होना जरूरी था। अभी क्या हो गया, आपको 10th पास करने के बाद भी ICAI प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की परमिशन दे देता है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज कन्वेड इट्स अप्रूवल ऑन द ICAI प्रपोजल फॉर अमेंडिंग द रेगुलेशन 25E, 25F एंड 28F ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशन 1988, which now enables the candidates to provisionally register in the foundation course of the Institute of Chartered Accountants of India after passing class 10th examination, which enables the candidate to provisionally register in the foundation course of the Institute of Chartered Accountants of India after passing class 10th examination। यानी कि 10th की एग्जाम पास होने के बाद आप तुरंत ICAI के अंडर रजिस्टर हो सकते हो। फॉलोइंग आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द नोटिफिकेशन, स्टूडेंट आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एन एग्जामिनिंग बॉडी कंस्टिट्यूटेड बाय लॉ इन इंडिया और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट दैट मे प्रोविजनली रजिस्टर इन फाउंडेशन कोर्स ऑफ द ICAI। यानी कि 10th की एग्जाम खत्म होने के बाद स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप 10th की एग्जाम पास होने के बाद तुरंत ही ICAI के अंडर रजिस्टर करवा सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द स्टूडेंट्स अपियरिंग इन फाउंडेशन एग्जामिनेशन आर एस अंडर, द स्टूडेंट हैज टू रजिस्टर विद द बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑन और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी और फर्स्ट डे ऑफ जुलाई फॉर द एग्जामिनेशन हेल्ड इन द मंथ्स ऑफ मे जून और नवंबर दिसंबर रिस्पेक्टिवली। यानी कि वापस से रिपीट करो, अगर आपको 12th के तुरंत बाद पहला अटेम्प्ट आपका अभी तक कौन सा आता था, नवंबर अटेम्प्ट आता था, अभी आप मे के अंदर भी एग्जामिनेशन दे सकते हो। लेकिन मे के अंदर एग्जामिनेशन देने के लिए क्राइटेरिया क्या है, आपको पहली जनवरी से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर आप पहली जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवा देते हो तो आप मे के एग्जाम के लिए एलिजिबल गिने जाते हो। अगर आप पहली जनवरी के बाद और फर्स्ट जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप नवंबर एग्जाम के लिए एलिजिबल गिने जाओगे। वापस से रिपीट करो, फर्स्ट जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हो ऑन और बिफोर फर्स्ट जनवरी तो आप एग्जामिनेशन मई में दे सकते हो, और अगर फर्स्ट जनवरी से फर्स्ट जुलाई के बीच में करवाते हो तो आप नवंबर के अंदर एग्जाम दे सकते हो। इन अदर वर्ड्स द 4 months स्टडी पीरियड इज रिक्वायर्ड बिफोर अपियरिंग इन फाउंडेशन एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट शुड हैव अपियर्ड इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एन एग्जामिनिंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉ इन इंडिया और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट दैट टू फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन इन द ग्रेजुएशन कोर्स। मतलब क्या हुआ, आप रजिस्ट्रेशन 10th के बाद करवा सकते हो, लेकिन एग्जाम कब दे सकते हो, 12th अपियर होने के बाद ही एग्जाम दे सकते हो। लेकिन इससे मेजर अमेंडमेंट क्या है कि आपका जो पहला अटेम्प्ट 12th के बाद नवंबर में आता था उसकी जगह पे अब पहला अटेम्प्ट कब आएगा, 12th के बाद सीधा मई में आप एग्जाम दे सकते हो अगर आप पहली जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो। सो कैंडिडेट्स में नो दैट देयर इज नो चेंज इन द रजिस्ट्रेशन फी फॉर द रजिस्ट्रेशन, द स्टूडेंट्स में विजिट eservices.ICAI.org, यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सो की पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आर एज फॉलोस। पहली चीज, अभी जो स्टूडेंट 10th में या 11th में या 12th में, तीन टाइप के स्टूडेंट्स अभी हो सकते हैं, जो अभी 10th
में है, जो अभी 11th में है और जो अभी 12th में। मैं अभी 2020 के रिलेटेड बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये ईयर 2020 चल रहा है। तो जो स्टूडेंट 10th में 2020 में एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि उनकी 10th की एग्जाम आएगी मार्च 2021। 10th की एग्जाम कब आएगी आपकी? मार्च 2021, ये 10th की एग्जाम। और 12th की एग्जाम आपकी कब आएगी? 12th की एग्जाम आएगी आपकी 2 साल के बाद, यानी कि मार्च 2023। क्लियर? सेम वे अभी जो 11th में, उनकी 12th की एग्जाम कब आएगी? तो बोले मार्च 2022 में आएगी। और जो अभी 12th में, उनकी 12th की एग्जाम कब आएगी? मार्च 2021 में आएगी। तो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम है 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, वो मार्च 2021 के अंदर आपकी बोर्ड की एग्जाम्स आएगी। अभी अगर आपको मई के अंदर अटेम्प्ट देना है, ICAI का फाउंडेशन का जो एग्जाम है वो आपको मई के अंदर देना है, तो इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा 1st जनवरी 2021, ऑन 1st जनवरी 2021 और बिफोर 1st जनवरी 2021। अगर 1st जनवरी 2021 से के दिन या तो 1st जनवरी 2021 से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो आप यहाँ पे मई 2021 में CA फाउंडेशन की एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, फिर 11th वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनकी मार्च 2022 में एग्जाम आती है। अभी मार्च 2022 में एग्जाम आती है तो आपका जो CA फाउंडेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट है, CA फाउंडेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट कब आएगा? तो CA फाउंडेशन का अटेम्प्ट आएगा मई 2022 में। और मई 2022 में अगर आपको अटेम्प्ट देना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ता है? आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा 1st जनवरी 2022 के दिन या तो 1st जनवरी 2022 से पहले। एंड सेम वे अगर अभी 10th में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करें, तो 12th की एग्जाम आएगी मार्च 2023 में, तो फाउंडेशन की आपकी एग्जाम कब आएगी? तो मई 2023 में आएगी फाउंडेशन की एग्जाम। और अगर आपको मई 2023 में अटेम्प्ट देना है तो आपको ICAI के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कब? ऑन और बिफोर 1st जनवरी 2023। तो 1st जनवरी रिस्पेक्टिव ईयर्स की 1st जनवरी से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप मई में एग्जाम दे पाओगे। अगर 1st जनवरी की डेट मिस कर जाते हो, 1st जनवरी से 1st जुलाई के बीच में आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप नवंबर के अंदर एग्जाम दे पाओगे। रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर कोई चेंज नहीं है, जैसे आपको यहाँ पे ICAI ने बताया है कि रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। इट मे नोट दैट देर इज नो चेंज इन द रजिस्ट्रेशन फी। मई के अंदर एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट कंपल्सरीली 12th अपीयर्ड होना ही चाहिए। 12th अपीयर होने के बाद ही आप मई के अंदर एग्जामिनेशन दे सकते हो। सो इसके बाद आपका स्टेप क्या रहेगा? तो एक बार ICAI के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, 10th के बाद करवा सकते हो अगर आपका कंफर्म है कि आपको CA ही करना है इन फ्यूचर, तब 10th के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवा के तुरंत नवकार ज्वाइन कर सकते हो और तुरंत आपके बैचेस स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपकी स्टडीज ना बिगड़े। सेम चीज़ अगर आप 11th स्टैंडर्ड में डिसाइड करते हो कि मेरे को CA करना है, तो 11th स्टैंडर्ड के बाद भी आप ICAI के अंडर रजिस्ट्रेशन करवा के नवकार ज्वाइन कर सकते हो, एंड 12th के बाद तो आप कर ही सकते हो। सो नवकार के अंदर एडमिशन्स ओपन है। अगर आपको यहाँ पे ICAI के रजिस्ट्रेशन में कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आती है, तो नवकार इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप नवकार के अंदर आके एडमिशन लेके आपको पूरी की पूरी प्रोसीजर गाइड की जाएगी कि कैसे ICAI के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कितनी फीस है, पूरा इन डेप्थ आपको नॉलेज दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल टू वॉच मोर सच वीडियोस एंड लर्न फ्रॉम आवर एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स। Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.